क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऑर्बिटर व्हीकल कैसे काम करता है, इसको कैसे लॉन्च किया जाता है और इसकी लैंडिंग कैसे होती है? तो आपको आज बताने वाले जा रहे हैं कि ऑर्बिटर व्हीकल, जिसे आम भाषा में आप लोग रॉकेट भी कहते हैं, यह तो एक क्रू कंपार्टमेंट यानी यहाँ से ही रॉकेट को ऑपरेट किया जाता है और इसके ठीक पीछे पेलोड बैग है, जिसे आप कार्गो बैग भी कह सकते हैं। पेलोड बैग का काम होता है कि पेलोड को यानी उपकरण को जो आपको स्पेस में भेजना होता है वह यहीं पर रख कर ले जाया जाता है। पेलोड बैग की लंबाई 18 मीटर और 4.6 मीटर गोलार्ध का होता है, जिसमें आप कोई भी सैटेलाइट रख सकते हैं। जैसे अभी तक का सबसे बड़ा सैटेलाइट हबल स्पेस टेलीस्कोप है, जिसे इसी ऑर्बिटर व्हीकल की सहायता से ही लॉन्च किया गया था। और सबसे पॉपुलर नाम इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का है, जो आपने बहुत बार न्यूज चैनल, समाचार पत्रों में, यूट्यूब वीडियो में देखा होगा। यह एक उड़ता हुआ घर की तरह है। जिसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। ऑर्बिटर व्हीकल का उपयोग कभी कभी स्पेस लैब के लिए भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें स्पेस में किसी जगह से कुछ रिसर्च करना हो जहां पर स्पेस स्टेशन से मुश्किल हो रहा हो, तो इस सिचुएशन में पेलोड बैग में एक लैब लगा दिया जाता है, जिसे स्पेस लैब भी कहते हैं, और इसके डोर को क्रू कंपार्टमेंट से जोड़ दिया जाता है, जिससे क्रू मेंबर्स आसानी से लैब में आ और जा सकते हैं। और अगर किसी काम से अंतरिक्ष यात्री लैब से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसके बगल में ही एक लंबा सा स्टिक लगा होता है, जिसमें खुद को अंतरिक्ष यात्री बांध लेते हैं और आसानी से अंतरिक्ष में घूम सकते हैं। इसको चलाने के लिए क्रू कंपार्टमेंट के पीछे एक शीशे की खिड़की लगी होती है, जिससे इसे चलाने वाला आसानी से सब कुछ देख सके। कभी कभी इसका उपयोग पेलोड को उठाने में भी किया जाता है। अभी तक ऑर्बिटर व्हीकल के कुल 6 मॉडल आए हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट मॉडल है इंटरप्राइज। यह 37 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है, जिसके पीछे 3 मेन इंजन लगाए गए हैं, जिसे स्पेस शटल मेन इंजन कहते हैं, और पीछे ही ऊपर की तरफ 2 और छोटे इंजन लगाए गए हैं, जिसे OMS रॉकेट मोटर्स कहते हैं, और नीचे की तरफ थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं, जिसे सिलिका टाइल्स कहते हैं। यह इसे हीट से बचाता है। इसके अंदर 2 फ्लोर होते हैं। सबसे ऊपर पूरा कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं, यहाँ से इसे चलाया जाता है, और एक फ्लोर इसके नीचे भी होता है। यहाँ पर लॉकर्स लगे होते हैं, जिसमें जरूरी सामान रखे होते हैं, और साथ में ही स्लीप स्टेशन भी बने होते हैं, जहाँ पर सोने के लिए जगह बनाई जाती है। लेकिन इसके बगल में ही एक इमरजेंसी डोर भी बना होता है, लेकिन इसे अंतरिक्ष में खोला नहीं जाता है। और कार्गो बैग यानी पेलोड बैग में ऑर्बिटल डॉकिंग सिस्टम भी लगाया जाता है, जब इसे स्पेस स्टेशन पर ले जाया जाता है, और अंतरिक्ष यात्री आसानी से स्पेस स्टेशन में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए।